उस तरीके से इंसान का लीवर डैमेज हो सकता है शराब की वजह से। इसीलिए एक बहुत बड़े कानून दान ने कहा था, क्या कहा था, कहा कि आधे लोग यानी दुनिया के अंदर किस पैमाने पर लोग शराब पी रहे हैं, अगर उनमें से आधे लोग अगर शराब पीना छोड़ दें, आधे लोग अगर शराब पीना छोड़ दें तो फिर जेल जो बनाई गई है तो जेल में जितने मुजरिम लोग हैं, जेल में जितने बड़े बड़े माफिया लोग, जेल में जो बड़े बड़े डॉन हैं, तो उनकी तादाद में जो है आधा हिस्सा कमी आ जाएगी, यानी जेल में आधा जेल खाली हो जाएगी और आधा हिस्सा बाकी। उस तरीके से अगर आधे लोग दुनिया के अंदर शराब पीना छोड़ दें तो हॉस्पिटल के अंदर आधा हॉस्पिटल खाली हो जाएगा, हॉस्पिटल की आधी सीट जो है खाली रहेगी। पता ये चला के दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जेल में अगर कोई आदमी जाता है, कोई मुजरिम जाता है, कोई क्राइम करके जाता है तो शराब पीने वाला होता है। पता ये चला कि हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा लोग अगर दुनिया के अंदर जा रहे हैं तो शराब पीने की वजह से जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की मौत जो है शराब पीने की वजह से। और शराब का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो गाड़ी एक्सीडेंट होता है, गाड़ी एक्सीडेंट के जो वाकयात होते हैं वो शराब पीने की वजह से। ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और उसकी अकल जो काम नहीं करती है, यानी शराब जब पीता है ना तो उसे जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो काम नहीं करती है, वो तो खुद कांपने लगता है, उसके हाथ पांव जो है काम सही तरीके से नहीं करते हैं, फिर या तो किसी गाड़ी से टक्कर लगा देते हैं या किसी जो है दरख्त से या किसी जो है वो मकान से जाके गाड़ी को टकरा देते हैं और इस तरीके से जो है एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। इसलिए कि शराब जब आदमी पीता है तो उसकी अकल काम नहीं करती। इसलिए कहते हैं कि एक आदमी अपने घर में पहुंचा और घर में पहुंचने के बाद उसके हाथ में जो है चाबी थी और वो अपने घर का ताला है, अपने ही घर में जाके अपनी चाबी है, वो ताला को खोल नहीं पा रहा। एक आदमी दूर से देख रहा है ये नजारा कि क्या बात है कि इतनी देर से ये अपने ही घर में अपना ताला है, अपनी चाबी से वो ताला क्यों नहीं खोल पा रहा, ताले में क्या कमी है या क्या नुकसान है। वो आदमी उसके पास जाके पूछता है और कहता है कि भाई साहब ये आप ताला क्यों नहीं खोल पा रहे, क्या हरज है इसमें। कहा कि मैं ताला इसलिए नहीं खोल पा रहा हूँ कि मैं जो है ताला के अंदर जो सुराख है उसमें चाबी डाल नहीं पा रहा, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि दीवार हिल रही है, जमीन हिल रही है, ताला हिल रहा है, इसमें जो दरवाजे हैं वो झुंबिश कर रहे हैं, तो मेरे हाथ थर्रा रहा है, इसलिए मैं ये ताला नहीं खोल पा रहा हूँ। पता ये चला कि एक आदमी जब शराब पीता है तो गाड़ी की स्टीयरिंग जो है वो असल जगह काम नहीं कर पा रही, इसलिए कि उसका हाथ सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गाड़ी एक्सीडेंट का जो केस होता है वो शराब पीने। उसी तरीके से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा औरतों पर जो जुल्म होता है वो शराब पीने की वजह से। इसलिए कि शराबी शोहर शराब पी के घर आता है और आने के बाद अपने बीवी को वो हाथ चलाता है, पैर चलाता है, बगैर किसी जो है कसूर के उसे मारता है और बसा औकात तो जख्म कर देता है। एक दिन बीवी अपने शोहर के जुल्म से तंग आ जाती है और बसा औकात ऐसा होता है कि कितनी ऐसी बीवियां हैं, कितनी ऐसी कौम की बेटियां हैं जो अपने शराबी शोहर के जुल्म की वजह से खुदकुशी कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, अपना दम तोड़ लेती है। उसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों दुनिया के अंदर आज जितने यतीम बच्चे हैं यानी
बच्चे जो यतीम हो रहे हैं वो शराब भी बाप की वजह से यतीम हो रहे हैं। आदमी शराब पीता है और शराब पी करके अपने जिस्म को गला लेता है, अपने जिस्म को खोखला कर लेता है और कम वक्त में मर जाता है, 40 साल में या 30 साल में मर जाता है और उनके बच्चे जो है यतीम हो जाते हैं, उनकी बीवी विधवा हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से शराब के बहुत सारे नुकसान है। इसलिए एक बहुत बड़े डॉक्टर ने कहा था, एक बहुत बड़े डॉक्टर ने ये कहा था कि अफ्रीका के लोग जब शराब पीने लगे तो उनके जो बच्चे पैदा होते थे उनके बच्चे पागल पैदा होने लगे। अफ्रीका के लोगों ने जब शराब पीना शुरू किया तो उनके बच्चे पागल पैदा होने लगे। यूरोप के लोग को जब शराब की लत लग गई और वो भी शराब की चुस्की और उसके रस्सियां लेने लगे तो फिर यूरोप के अंदर जो बच्चा पैदा होने लगा वो भी अकल का दुश्मन यानी पागल पैदा होने लगा। इस कानूनदान ने और इस साइंसदान ने कहा कि इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है कि इस्लाम ने शराब को हराम करा दिया है, इस्लाम ने शराब पर बैन लगा दिया है। अगर अफ्रीका के बादशाह वहां का गवर्नर भी अगर शराब पर बैन लगा दे या फिर यूरोप का प्रधानमंत्री भी अगर शराब पर बैन लगा दे तो फिर अफ्रीका और यूरोप के बच्चे जो है सलीमुल अकल बच्चे पैदा होंगे जिनकी अकल जो है वो सही सालिम होगी और बेअकल बच्चे पैदा नहीं होंगे। ये शराब का नुकसान है मेरे प्यारे साथियों, उसके बावजूद हमारे माशरे के अंदर अक्सरियत इस तरीके से है और कि शराबियों की अक्सरियत है। और ये नौजवान लड़के भी मेरे प्यारे साथियों, 12 साल 15 साल का लड़का जो है अब बियर पीने का आदि होता जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरूरत है कि इन चीजों से हम अपने आप को बचाए, इसे इज्तनाब करें। उसी तरीके से और भी बहुत सारे जो है बुराइयां हमारे माशरे के अंदर है। आप रिश्वत को ले लीजिए, आप जुआ को ले लीजिए, माशरे का एक बड़ा तबका उसके पास कुछ काम नहीं है। जो बेगारी लोग हैं वो खेत में कहीं पर बैठ जाते हैं, ताश की गोटियों को लेकर के वो बैठे रहते हैं, उसमें दिन ब दिन जुआ खेलने लगते हैं। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, आज मुआशरे के अंदर एक बड़ी तादाद है जो जुआ खेलने में मस्त रहती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जुआ को भी हराम कर दिया है, इसलिए कि जुए जिससे जो पैसा आता है वो बगैर मेहनत के आता है और जो पैसा बगैर मेहनत के आता है वो हराम का पैसा होता है। मेरे प्यारे साथियों, जुए के भी बहुत सारे नुकसान है। मिसाल के तौर पर जुआ खेलने वाला जब जुआ खेलता है और एक आदमी हार जाता है और कोई जीत जाता है तो उन दोनों के दरमियान आपस में दुश्मनी पैदा हो जाती है और फिर झगड़ा तक नौबत आ जाती है और फिर आखिर ऐसा होता है कि कभी दुश्मनी में वो जुआ खेलने वाला जो हार चुका है जुए खेलने वाले पर जो है वो उसको जख्म करता है या उसे कत्ल कर देता है। उसी तरीके से जुआ खेलने का नुकसान ये भी है कि जुए खेलने की वजह से क्या होता है कि कोई आदमी रातों रात अमीर बन जाता है और कोई आदमी कंगाल बन जाता है। और शरीयत के अंदर ये चीज़ हराम है कि मुफ्त और बगैर किसी मेहनत के कोई आदमी रातों रात करोड़पति बन जाए, मुकेश अंबानी करवाई। उस तरीके से जुए खेलने के ये भी नुकसान है कि जुआ जो आदमी खेलता है वो घर की जितनी भी चीजें हैं तमाम चीजों को वो चूहे पे लगा देता है और वो बेच देता है और चूहे का नशा जो है इतना हो जाता है कि बस आपका चूहा बाज आदमी क्या करता है, कर्ज पर कर्ज ले लेता है, लोन ले लेता है, किसी से रुपया उधार ले लेता है और जब कर्जा चुका नहीं पाता है चारों तरफ से मुसीबत असलहा की तरह मुंह तोल के खड़ी हो जाती है। देख जुआ खेलने वाला आत्महत्या कर लेता है, वो सुसाइड कर लेता है, वो खुदकुशी कर लेता है। तो ये जुआ खोल खेलने वाले का नुकसान है कि घर की जितनी चीजें हैं तमाम चीजों को वो बेचता है। और शराबियों की का भी नुकसान ये है कि जिस जो इस घर में कोई शराबी होगा तो शराबी भी क्या करेगा, घर की तमाम चीजों को बेच देगा। अभी हैदराबाद में चादर घाट बोल करके एक जगह है, वहां पर एक शराबी बाप ने अपने ही एक बच्चा को 70,000 रुपए में बेच डाला।
70,000 रुपए के लालच में अपना ही एक दो माह के बच्चे को बेच डाला। उस शराबी की बीवी ने अदालत में या पुलिस थाने में जाकर के एफआईआर किया और मुकदमा दायर किया। अब पुलिस जो है उसके जब सर्वे किया और जो सीसी कैमरे लगे हुए थे उस कैमरे में जो फुटेज जो कैद फुटेज थे उनमें से उस आदमी को निकाला गया, यानी उस शराबी को भी निकाला गया और जिसने बच्चा जिसके हाथ भेजा था उसको भी पकड़ लिया गया और इस तरीके से बच्चे को शराबी की बीवी को दे दिया गया और शराबी को जेल के सलाखों में ढाल दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे इस तरीके से जिस्मानी माली हर तरह के नुकसान शराब में भी है, जुआ में भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज़्क़ुन मिन अमल शैतान। इन तमाम चीजों को शैतानी अमल अल्लाह तबारक व तआला ने करार दिया है। रिश्वत भी आज इतनी ज्यादा उरूज पर है कि कोई भी मुकदमा बगैर रिश्वत के हल नहीं होता है। वकील जो है बड़े बड़े वकील जो है रिश्वत पर पल रहे हैं, बगैर रिश्वत के कोई भी वकील जो है नहीं लड़ता है, मुकदमा किसी का हाथ में नहीं लेता है। और कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर रिश्वत का चर्चा है तो वह हिंदुस्तान के अंदर। अब तो जमाना ऐसा आ गया है कि अपना हक भी लेने के लिए हमें रिश्वत देना पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है, दोनों जहन्नम के आग में जलेगा, जो रिश्वत लेगा भी और जो रिश्वत देगा। और एक हदीस में आता है कि रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले के दरमियान जो ग्राइंडर और जो आदमी होगा दोनों के दरमियान जो मामला तय करेगा वो उस आदमी पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। मेरे प्यारे साथियों, रिश्वत जो है लेना देना दोनों हराम है और अल्लाह के रसूल ने रिश्वत लेने देने दोनों वाले को कहा कि जहन्नमी शख्स है।